सारे नेता ने बाबा जी और पूरा आशीर्वाद रख देने पूरे भाजपा उत्थे और आने वाले समय च भी मी लगता वे इन्होंने भाजपा नु जता के छड़ना वे मैं आभार प्रकट करना चाहता हूं, धन्यवाद देना चाहता हूं बाबा चंचल जी को कि जिनके माध्यम से आज मैं देख रहा हूं कि हजारों की संख्या में यहां पर लोग जो हैं इस दंगल को देखने के लिए पहुंचे हैं। मेरा मानना है कि जो नरेंद्र भाई मोदी जी का एक सपना है मेरा देश आगे बढ़े, और बहुत अच्छा ये लगा कि बाबा चंचल जी ने इस दंगल को के ये आयोजन में अज जड़ा साढ़े बाबा जी ने बाबा चंचल जी बहजा बहजा कर देंगे हर मतलब मैं दिखना कि दो चार महीने बाद इंदा जड़ा भारतीय जनता पार्टी के सीनियर नेता ने और इंदा धार्मिक एक जड़ा साड़ा सैल है वो इंचार्ज भी हैं ये पूरे इलाके च अपना धर्म का प्रचार करते हैं देखिए ये जो बाबा चंचल सिंह जी हैं हमेशा इस दंगल को कई वर्षों से करवाते आ रहे हैं। मैं तो इनको शुक्रिया भी इनका करता हूँ, थैंक्स भी करता हूँ और उसके साथ साथ मुबारकबाद भी देता हूँ। ये हमारे जो ट्रेडिशनल स्पोर्ट्स हैं जो पारंपरिक खेल हैं उनको बढ़ावा देने में हमेशा आगे रहे हैं। उसका फायदा ये है कि जितने भी हमारे नौजवान हैं उसके साथ साथ जो किसी भी उम्र का आदमी है कहते हैं कि हेल्दी माइंड लाइज इन हेल्दी बॉडी, हमें जिस्मानी और जहनी तौर पे तंदुरुस्त होने के लिए हमारा शरीर का जो तंदुरुस्त होना बहुत ज़रूरी है। ऐसे जो स्पोर्ट्स फेस्टिवल्स हैं, मैं इसको फेस्टिवल कहता हूँ, खेल का महाउत्सव कहता हूँ, जहाँ पे हजारों लोग आए हुए हैं और जहाँ से एक वो संदेश लेके जाते हैं, एक इंस्पायरेशन लेके जाते हैं
प्रोत्साहित होते हैं, प्रोत्साहन मिलता है कि हमें अपने आप को कैसे फिट रखना है। फिट रहते हुए एक अपना तो हमारा जो ड्यूटी है, हमारा जो कर्तव्य है, उसको तो हम अच्छे तरीके से कर सकेंगे। उसके साथ साथ हमारा जो युवा है, आज के ज़माने में सुनने में आ रहा है कि वो अपना जो ट्रैक है उससे भटक रहा है, नशे की तरफ लग रहा है, जब बाकी जो गलत काम है उनकी तरफ जा रहा है। तो ऐसे जो स्पोर्ट्स इवेंट्स हैं उसको प्रोत्साहित करते हैं, जहाँ पे वो देखते हैं, इंस्पायर होते हैं और अपना जो काम है उसको अच्छे से करते हैं। इससे क्या है कि वो अच्छा अपना काम करते करते देश निर्माण में भी अपना योगदान अच्छे से दे सकते हैं। तो कुश्ती करने ज्ञान जरूरी है, उन्हें लिखण बोलने लई होता ज्ञान जरूरी है। देखिए ये जो दंगल है, ये आपको रामायण और महाभारत काल में भी जब आश्रम में गुरु शिष्य परंपरा के तहत शिष्य आते थे और उस वक़्त राजा महाराजाओं को भी जब अपनी सेनाओं का गठन करना होता था, उस वक़्त इस प्रकार के दंगल से जो तेज तरार नौजवान होते थे उनको वहां से चुन के सेनाओं में भर्ती किया जाता था और वो देश की रक्षा उस समय उस राज्य की रक्षा करते थे। उसी प्रकार ये हमारी एक संस्कृति का हिस्सा बना और आज भी पूरे भारत में इस प्रकार के दंगल होते हैं। यहाँ भलवाल में जम्मू में बाबा चंचल सिंह जी के प्रयासों से यहाँ बहुत ज़बरदस्त
दंगल हुआ है, 200 से ऊपर यहाँ कुश्तियाँ लड़ी गई हैं और हमने देखा कि हर एक जो पहलवान था उसने जबरदस्त तरीके से दंगल में भाग लिया। हजारों की तादाद में यहाँ लोग देखने के लिए आए और नौजवान बच्चे वो यहाँ से प्रेरणा लेते हैं और वो भी इस प्रकार की तैयारी करके अपने शरीर को हष्ट पुष्ट करते हैं और आने वाले दिनों के लिए अपने आप को तैयार करते हैं। जब तक मजबूत शरीर नहीं होगा व्यक्ति जो है वो सभी कार्य संपन्न नहीं कर सकता, इसीलिए यहाँ से प्रेरणा लेके नौजवान जाते हैं। इसके लिए कठिन मेहनत करनी होती है और विशेषकर नौजवान इस प्रकार के दंगल में भाग लेते हैं और नशे से दूर रहने के लिए भी एक प्रेरणा इस प्रकार के दंगल से और अखाड़ों से मिलती है। आज जो समाज के अंदर नौजवान हैं कहीं ना कहीं नशे का शिकार जाने में या अनजाने में हो जाते हैं। मैं कहता हूं इस प्रकार के जो शारीरिक खेल हैं उनमें भाग लेकर नशे से दूर रहना भी एक महत्वपूर्ण अभियान इन दंगलों के माध्यम से होता है। मैं बाबा चंचल सिंह जी और यहाँ की सरपंच हमारी बहन सुषमा चौहान जी को और सुषमा शर्मा जी को और इनके जितने मैनेजमेंट के साथी हैं उनको ढेर सारी बधाई देता हूँ कि इस प्रकार के दंगल इन्होंने इस सारे ग्रामीण क्षेत्र में जम्मू में कराए। सौदागर सिंह यहाँ के सरपंच साहब को भी मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ। बाबा जी आप क्या कहना चाहते हैं? सक्सेसफुल रहा इस मौके पर। मैं यही कहना चाहता हूँ जो मेरे गुरु जी ने कहा है यही सच है। दंगल मैं करवाता हूँ भाई, नौजवान जो है वो नशे से दूर रहें। जवान भारत की शान, जवान है तो देश है, तो हमें जवानों को बचाना होगा। यही हमारे गुरुजी की शिक्षा है, मैं वो पूरी कर रहा हूँ।